हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने कारजी क्लब के मालिक और एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर समेत चार की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस ने कारजी क्लब के बाथरूम से ड्रग भी बरामद किया है। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि गोवा के IG ओमी वीर बिश्नोई ने की है। इस बीच गोवा कांग्रेस भी पूरे मामले में पुलिस और भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की गोवा इकाई के नेता माइकल लोबो ने आरोप लगाया है कि पुलिस सोनाली फोगाट हत्याकांड को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस केस की CBI जांच होनी चाहिए। वहीं चारों आरोपियों का मेडिकल करवाकर उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस चारों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ भी करेगी। वहीं पुलिस यह भी जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इनकी मुलाकात कैसे हुई और ये ड्रग कहां से लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।